गुजरात के इलेक्शन हुए और वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई वो तमाम हिंदुस्तान के अवाम को सोचना पड़ेगा। ये मेरा मसला नहीं है तो सबका मसला है, सबको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के कायदीन बीजेपी के कायदीन इलेक्शन की मुहिम नहीं कर रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कोई 20 मंदिर को गए तो उसने कहा मैं 27 को जाऊंगा, कोई दौड़ कर गया तो बोला कि मैं गाड़ी में बैठकर जाऊंगा, कोई गाड़ियों में गया तो उसने कहा कि मैं और गाड़ियों में जाऊंगा, तो फिर आखिर वजीर आजम ने कहा कि मैं सबको पीछे छोड़ देता हूं, मैं प्लेन से जाऊंगा और पानी के उतार के जाऊंगा। मेरे भाई अजीब मामला है, अगर हम अपने चेहरों पर दाढ़ियां रखते हैं, सर पर टोपी पहनते हैं, अगर अपना मखसूस लिबास पहनते हैं तो बोलते देखो जिहादी जा रहा, मगर आप जो कर रहे थे इलेक्शन में वोटों के लिए वो क्या था। अब इंशाअल्लाह ताला जब असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे असदुद्दीन ओवैसी भी बताएगा तुमको क्या होता है यात्रा। तुम गए तो कुछ नहीं बोले, अब मैं भी जाऊंगा, दरगाहों को जाऊंगा, मस्जिदों को जाऊंगा, खानकाहों को जाऊंगा, मुफ्ती अबरार के पास जाऊंगा, जहीरुद्दीन सूफी के पास जाऊंगा, हरा झंडा पहन के जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हम भी देखेंगे क्योंकि उन्हों गेरवा रंग पहने तो कोई एतराज नहीं, दोनों पहने गेरवा, हम हरा पहन के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम हरे झंडे के शहजादों के गुलाम हैं, वो डाल के जाएंगे। आओ तुम अब देखेंगे हरे का मुकाबला कौन करेगा इंशाअल्लाह होता। वो गए तो कुछ नहीं, अगर कल इलेक्शन हो गया और मैं यहां पर 9 नंबर मोहम्मद आबाद की गली कूचों में पैदल दौरा करूं एक हरा कपड़ा पहन लेके, बोलेंगे क्या कर रहे हैं ग्रीन, ये क्या है, आप करें तो कुछ नहीं, और हम जब ग्रीन पहनेंगे तो पूरा हरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारे हरे रंग के आगे कोई रंग नहीं टिकेगा इंशाअल्लाह ताला। ना मोदी का रंग, ना कांग्रेस का रंग, किसी का रंग नहीं, खाली हमारा रंग रहेगा, हरा 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 रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आप स्टार्ट किए, मैं स्टार्ट नहीं किया, आप मेरे को राह दिखा रहे, ऐसा करें तो जीते, मैं भी करता हूं, मुझे भी जीतना है राजेंद्र नगर की सीट इंशाअल्लाह ताला।